नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी। राजधानी भोपाल नए साल के जश्न के लिए तैयार हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नए साल के जश्न की तैयारी है, लेकिन सख्ती बहुत है, गाइडलाइन बड़ी कड़क है। और गाइडलाइन यही है कि रात 11 बजे के बाद समूचे मध्य प्रदेश में कर्फ्यू लग जाएगा। लेकिन हम उससे पहले की बात करें, 11 बजे से पहले, कर्फ्यू लगने से पहले राजधानी भोपाल के साथ समूचा मध्य प्रदेश नए साल के जश्न में डूबेगा। और उसकी शुरुआती हम तैयारी ये देख पा रहे हैं कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। किस तरह की इस बार कुछ हटके रहेगा, क्या गाइडलाइन है, ये समझते हैं थोड़ा सा कि कितनी लोग अवेयर हैं, जो आयोजक हैं वो कितने अवेयर हैं। पहले तो ये बताइए कि 31st की तैयारी जी क्या हाल है उसका? तैयारी तो अच्छी हो गई है, सारी चीज़ें बढ़िया है, बट ऑब्वियसली कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें मन में डाइसी है कि कैसा सीन रहेगा, क्या नहीं रहेगा। एंड वो फॉलो ज़रूर करना है नेचुरल है, बिकॉज अभी अमेरिकन भी आ गया है, तो उन चीज़ों गवर्नमेंट गाइडलाइंस काफ़ी अच्छे से स्टडी किया हम लोगों ने, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं। बेसिकली हम वही गाइडलाइन समझना चाह रहे हैं कि आप कितने तैयार हैं। अच्छा, कौन कौन सी गाइडलाइन पालन करेंगे? देखो, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि अपने यहाँ पे नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, तो 11 बजे से तो बेसिकली उसके बाद तो पार्टी होनी ही नहीं है, तो सारी चीज़ें हम 10:30 बजे तक वाइंड अप कर देंगे। यानी 10:30 तक वाइंड अप, यानी लोग 11 बजे तक अपने घर पहुँच जाएंगे। मतलब 10 बजे यहाँ पे हम वाइंड अप कर देंगे ताकि 11 बजे तक लोग घर पहुँच जाएँ। सेकेंड चीज़ हम लोगों ने ऐसा रखा हुआ है कि बिना मास्क की एंट्री नहीं है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना कंपलसरी है, अगर वो आप नहीं दिखाएंगे तो आपकी वो भी एंट्री नहीं होगी। प्लस जितनी कैपेसिटी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, अगर वो नहीं है तो एंट्री नहीं होगी। ये हमारे उसमें भी साफ लिखा हुआ है, तो बोर्ड पे भी लगा रखा है कि इसके बिना एंट्री नहीं होगी, है ना। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमने बहुत डिस्टेंस पे चेयर्स लगा रखी हैं ताकि वो एक सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा, ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है वो। इसलिए हमने क्या करा, जैसे नीचे बैंक्वेट भी है, ऊपर रूफ टॉप है, तो हमने पार्टीज़ को 3-4 चीज़ों में डिवाइड कर दिया ताकि एक इकट्ठा बहुत सारा क्राउड एक जगह इकट्ठा ना हो सके। ये आपने डिवाइडेशन कर दिया? डेफिनेटली किया सर, जैसे कि 100 लोग नीचे हो जाएंगे, उसकी 400 कैपेसिटी है नीचे, तो वह 100 लोग रहेंगे, उसके ऊपर फिर 100 रहेंगे, ऊपर 100 रहेंगे, तो ऐसे करते करते ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी और पार्टी भी 3 अलग अलग थीम पे प्रेजेंट करी हुई है ऐसा। अच्छा, ये हम प्रशासनिक तैयारी की बात करें तो गाइडलाइन तो जारी कर दिया, लेकिन कोई देखने आया है क्या कि जो गाइडलाइन जारी की क्या पालन हो रहा है उसका? सर एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग ये प्लान आउट कर रहे थे तो SDM ऑफिस में बात हुई सब जगह, तो सबने पूरी गाइडलाइंस के बारे में प्रॉपर बताया गया हमको। प्लस लोग आए भी थे बीच में, है ना, कि कैसा क्या है चीज़ें। तो कमर्शियल पार्टी की तो वैसे ही परमिशन नहीं थी, तो हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, तो अपने जो इन्वाइटेड गेस्ट हैं सारी चीज़ें हम उसी बेसिस पे कर रहे हैं। ये आपने गेस्ट की बात कही, जो लोग जश्न मनाने आएंगे थिरकेंगे, उनको पता है कि वाइंड अप कब करना है? सर एक्चुअली हमने मेंशन कर रखा है कि 10 बजे तक ही है, मेंशन ही कर रखा है कि 6 to 10 PM, और जो कॉल्स आते भी हैं उनको ही बता रखा है। लेकिन हाँ, जो आप बात कर रहे हो कि उनको ऑब्वियसली अब लोग 31st है तो चाहते हैं 12 तक रुकना, बट आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जितने लोगों से बात भी हुई है ना, मेरी टीम की भी, एवरीबडी नोज अबाउट इट कि हाँ सर वो 11 से तो कर्फ्यू है, हमें घर जाना ही होगा। तो इसीलिए हमने 2 दिन प्लान किया है इसका, 31st को भी है और 1 तारीख को भी है, और दोनों दिन ही 10 बजे वाइंड अप हो जाएंगी चीज़ें, दोनों ही दिन 10 बजे वाइंड अप हो जाएंगी। हाँ, चलिए और समझते हैं यहाँ पर आयोजकों की और भी जो टीम है। साहब आपका क्या हाल है? सर बहुत बढ़िया हूँ सर। बढ़िया है, कितने साल बाद मन रही है अब जश्न? देखिए 2 साल से तो बड़ा कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं, इस बार हम प्रिकॉशन रखते हुए जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 to 10 माने सिर्फ 4 घंटे में ही लोगों को एंजॉय चाहते हैं, सिर्फ 4 घंटे का, 4 घंटे का, और पूरा माने अपन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कोविड को देखते हुए मास्क वगैरह सभी चीज़ों का पालन किया जाएगा। तैयारियाँ कितनी हो गई आपकी? तैयारियाँ सर चल रही हैं जोरों पे, आज मेरे ख्याल से हो जाएंगी पूरी तैयारियाँ, हो जाएंगी जी। अच्छा, जो लोग हैं उनका क्या रिस्पांस है? बुकिंग हो रही है? बुकिंग भी चालू है सर हमारे यहाँ, रिस्पांस अच्छा है। रिस्पांस क्या कहेंगे, अच्छा है कि मंदा है, कैसा है? मीडियम समझ के चलिए, फिर भी अच्छा जाएगा सर। अच्छा जाएगा जी, ऐसी आशा करते हैं सर। भोपाल में हमेशा जो हम देख पा रहे हैं कि जश्न को लेकर लोग उमड़ पड़ते थे, इस बार उमड़ेंगे? इस बार ऐसी स्थिति तो नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि बने वो स्थिति। तो क्या लोगों को डर है, क्या लग रहा है आपको, एक आपका आकलन क्या कहता है? लोगों को डर ऐसा है कि शासन ने जो कर्फ्यू लगा रखा है इस कारण जी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अपन कोशिश करेंगे 10:30 तक प्रोग्राम वाइंड अप। और इस समय हम बात करें तो नया साल है, नया साल के बीच बाज़ार में ख़रीदारी का दौर जारी है, जो कस्टमर्स हैं वो अपनी डिमांड लेकर पहुंच रहे हैं। भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है सर। बढ़िया हाल है, एक नंबर मजा, एक नंबर। क्या किस चीज़ की डिमांड है?
सर डिमांड तो बस न्यू ईयर, अभी न्यू ईयर आ गया, नया साल जश्न मनेगा और एंजॉय करेंगे सभी लोग, और बाकी कोरोना से भी बचना है तो मास्क लगा के रखना बहुत जरूरी हो गया। तो क्या विदाउट मास्क नो एंट्री? बिल्कुल सर होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन खुद को सेफ करेंगे तो तब सामने वाला भी सेफ रहेगा उससे। बिल्कुल, आपका क्या हाल है? मेरा भी यही विचार है जो जी, कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है इस बार। वैरायटी है, लैंप है, फोटो फ्रेम्स हैं, कैंडल्स है, एलईडी बॉटल्स। चलिए कुछ कस्टमर्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया है। 31st की कुछ खास तैयारी है? ऐसा तो ज़्यादा किया नहीं कोरोना की वजह से, पर थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, जो भी अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, करेगा ही। हाँ, क्योंकि ये साल में एक बार आता है। हाँ। और यही हमारी उम्मीद है कि 2021 अपने साथ पूरे गम ले जाए और 2022 बहुत सारी बड़ी प्यारी बात बोली है। हर व्यक्ति की यही मंशा है, उसके दिमाग पर यही सवाल है। बहुत दो सालों में हमने बहुत लोगों को खोया है, अब यही चाहते हैं भगवान से कि सब अच्छा हो, सब अपना स्वस्थ रहें और जैसा भी रहें अपने घर में स्वस्थ रहें, जैसे भी रहें स्वस्थ रहें। और मतलब अभी 2022 में ओमिक्रॉन आया है तो हम यही सोचते हैं और यही सबसे बोलते हैं कि घर में रहो, सेफ रहो, मास्क पहनो। मैंने भी जैसे अभी नहीं पहनना है, पर मैंने जेब में रखा है, अभी पहनना है। तो सर आप बिल्कुल हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए आप एक अपील भी करें और आप मास्क भी लगाएं सर। देखिए लोग बाकायदा जो है समझदार हैं और देखा हमने कोई अपील नहीं की थी उनसे मास्क लगाने के लिए, लेकिन आपने ही अपील की है, दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप? मास्क जरूर लगाइए। देखिए मास्क लगाएंगे तो आप खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सेफ रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। सेफ्टी की बात चली है, देखिए कोरोना कर्फ्यू समूचे मध्य प्रदेश में लग जाएगा 11 बजे, तो जरूरी तो मानते हैं ना, जश्न वाले नहीं मना पा रहे हैं देर रात तक, लेकिन कर्फ्यू जरूरी। इससे ये भी होगा कि 11 बजे से जो कर्फ्यू है तो आदमी भी थोड़ा अपना कंट्रोल में रहेंगे, जो भी उन्हें सेलिब्रेट करना है वो समय से करके समय पे घर पहुंचेंगे। नहीं तो देर रात में आप देख रहे हैं हादसे भी हो रहे हैं बहुत से, तो अपने घर में परिवार के साथ रहें और न्यू ईयर मनाएं। परिवार के साथ रहें, न्यू ईयर मनाएं, ये जो ख़रीदारी करने बाज़ार में लोग पहुंच रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं, क्योंकि हम कस्टमर्स की बात करें तो बाज़ार में लगातार कस्टमर्स का आना जाना है, ख़ासतौर पर जो ख़रीदारी की जा रही है वो नए साल को लेकर की जा रही है। लेकिन एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि मास्क जो है सभी ने पहना हुआ है, मास्क सभी ने लगाया हुआ है। भैया आप लोगों का क्या हाल है, 31st की ख़रीदारी है? हाँ नहीं, ये ऑफिस के लिए मैं ऑर्गेनाइज़र खरीद रहा था। ऑफिस के लिए जी, जनरल तौर पर ये गिफ्ट देने का सिलसिला होता है, लेकिन आप? हाँ मैं मतलब कलीग्स के लिए खरीद रहा था। अच्छा अच्छा, बॉस के लिए। बॉस के लिए जी, कुछ यूनिक मिल। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष विश्वकर्मा है। तो आपने डायरी क्यों चुनी? क्योंकि नया एक ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो एक स्टार्ट नया करेंगे तो सब चीज़ें लिखना पड़ेगा उसमें जी। ऑफिस में मैं गिफ्ट भी ऐसा जो ज़रूरत उस यूज़ आएगा, पूरे साल मेरे को याद करेगा देख देख। आप ये देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं ना सिर्फ अपने शौक़ के लिए बल्कि अपने बॉस के देने के लिए डायरी भी परचेज कर रहे हैं। तो हम कहें कि जो ट्रेंड है एकदम पूरी तरह से नहीं बदला है, जो पुरानी चीज़ें हैं अभी भी वो लागू हैं। साहब क्या हाल है आपका? बहुत अच्छे सर। बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। 31st की तैयारी की बात करें तो कुछ क्या नया है इस बार? देखिए 31st के लिए तो सबसे पहले हम लोगों के पास अच्छे आपको डेकोरेशन के मटेरियल्स मिल जाएंगे। हाँ। जो 31st के लिए घर पे जो लोग पार्टी करते हैं डेकोरेशन का एक अच्छा सामान मिल जाएगा। साथ ही साथ डायरीज मेरे पास बहुत अच्छी रेंज है, क्योंकि नया साल चालू होने वाला है। ऑफिशियल वर्क के लिए, नॉन ऑफिशियल वर्क के लिए एक आदमी डायरी ज़रूर मेंटेन करता है, अपॉइंटमेंट्स या वेरियस उसके लिए। मोबाइल्स आ गए हैं, लेकिन तो भी एक फिज़िकल डायरी को रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल रहता है। साथ ही साथ अच्छे पेन्स के मेरे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं डायरी के साथ, अगर आप कॉम्बो करके कोई अच्छा पेन लेना चाहें गिफ्टिंग के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसमें मेरे पास काफ़ी आइटम्स हैं। इसके अलावा घर के साज-सज्जा के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स मेरे पास आए हुए हैं अभी। तो ये देख पा रहे हैं कि जो ट्रेंड है पूरी तरह से नहीं बदला है, डायरी पेन्स अभी भी नए साल पर लोगों की डिमांड है। और चलिए आगे चलते हैं कि बाज़ार में और लोग किस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं। चलिए हम बाज़ार में मौजूद हैं और लोग ख़रीदारी को निकले हैं। बेटा आप ख़रीदारी करने आए हैं,
न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर के लिए कुछ खरीदेंगे? नहीं कुछ भी नहीं, नहीं। आप की एज कम है, मास्क लगाए हैं आप? हाँ। क्यों, डर लगता है क्या? हाँ, मम्मा कहती है। अच्छा, मम्मा बोलती हैं। क्यों लगाए हैं मास्क? मुझे नहीं पता। अच्छा, अभी न्यू ईयर आ रहा है क्या अभी? हाँ। कब है? कल रात। कुछ खरीदा आपने? कैसे आप एंजॉय कैसे करेंगे? हम मनाएंगे नहीं। मनाएंगे नहीं, क्यों? वो मम्मा से पूछो। बच्चा बोल रहा है कि न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, ऐसा क्या? बच्चा क्या नहीं मनाएगा? आपको ऐसा लगता है कि बच्चा न्यू ईयर नहीं मनाएगा? अभी क्रिसमस मनाया था, अब न्यू ईयर तो डेफिनेटली मनाएगा। मुझे तो पता नहीं कौन सी शॉपिंग करनी थी, हाई टेक बूट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ये सब नए साल के लिए, न्यू ईयर के लिए? यस, वी आर कमिंग ओनली फॉर न्यू ईयर। मतलब बच्चा खुल के नहीं बोल रहा है अभी। क्योंकि अभी क्रिसमस में काफी कुछ कर लिया ना। ओके, अब हिम्मत नहीं पड़ रही है बच्चे की बोलने की। बच्चा कह नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा। आपने क्या तैयारी कर रखी है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जो होता है, केक एंड डेकोरेशन एंड पार्टी, वी शुड डू ऑल द थिंग्स फॉर देम। ओके, डेफिनेटली। बट आप तो मम्मा बोल रही है, आप मना सकते हो? ये आप कह नहीं पा रहे थे मम्मी से? मैं कह रही थी कि हम आ रहे हैं थे मम्मा कि क्रिसमस बना लिया हमने। ओके, तो अब फिर मन कर रहा है आपका न्यू ईयर मनाने का? मैडम, बाजार की बात करें तो कर्फ्यू लग जाएगा 11 बजे के बाद, तो आपने कहाँ डिसाइड किया? घर पर ही एंजॉय करेंगे, बाहर कहीं जाएंगे? वी शुड स्टे एट होम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन वायरस एंड विद द किड्स। देखिए, बिल्कुल लोग काफ़ी समझदार हैं, और इस बार का हम नया ट्रेंड देख पा रहे हैं कि लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो 31st मनाए वो घर पे मनाए, घर पे एंजॉय करें। और इस समय हम बाज़ार की बात करें तो बाज़ार में लोगों को आने जाने का, ख़रीदारी का दौर जारी है। कुछ और लोग भी यहाँ पर आपसे बात करेंगे। डर लगता है कोविड से? आप ऐसे ही ख़रीदारी करने आए या फिर 31st कुछ खास है? नहीं नहीं, ऐसे ही ख़रीदारी करने आए। नए साल में कुछ तैयारी कर रखी है आपने? जी नहीं, घर पे रहना चाहिए सबको, कोविड का समय है, मेरे ख्याल से घर पे रहें तो बेहतर है। ये बिल्कुल नया ट्रेंड कह सकते हैं कि लोग अभी तो होटल्स और तमाम जो पार्टीज होती है वहाँ पर जाया करते थे। हाँ, बट अब समय बदल चुका है, थोड़ा उसके हिसाब से रहना ज़रूरी है। एंड 2-3 साल की ही बात है, फिर तो वापस चीज़ें वापस अपने रेगुलर उसमें आ ही जाएंगी। देखिए, बड़ा ही समझदार वाली बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जन्मेजय सिंह राठौड़। कहाँ रहते हैं आप? जी, वैसे मैं हूँ जबलपुर का, अपने चाचा के घर आया हुआ भोपाल में। तो पूरे सारे मेंबर्स हैं घर पर ही रहेंगे इस बार? या मोस्टली, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो कुछ दोस्तों को बुला के हाउस पार्टी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सबने वैक्सीन ले रखी हो, दोनों शॉट ले रखे हों तो अच्छी बात है। देखिए, आप यूथ को देखिए, यूथ का जो है थॉट है कुछ अलग निकल के आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? हर्ष शर्दन। आप क्या करने वाले हैं 31st पर? कुछ नहीं, घर पर। घर पर ही रहेंगे? घर पर कुछ खास? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं खास। नहीं, तो ये आप यूथ को देख पा रहे हैं, आपके साथ जो पूरे अपने फैमिली के मेंबर हैं, यूथ जो है घर पर रुकने की बात कर रहा है, कुछ ट्रेंड नया नहीं चल रहा है? नहीं नहीं, नया नहीं है, जैसा कोविड का समय है उस हिसाब से तो घर पर ही रहना चाहिए, जरूरी रहना चाहिए, जरूरी है इस वक्त तो और भी जरूरी है। वैसे भी नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे लगी जाएगा। हाँ, नाइट कर्फ्यू भी तो है, पर लोग भी तो समझदारी दिखाना चाहिए, रहना चाहिए घर पर, भीड़ में नहीं जाओ। यदि ये सारे लोग ऐसे समझदार हो जाए तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं ना कि कोविड तो चैन तो तोड़ ही देंगे। नहीं ना, पर समझदारी दिखाते नहीं ना, आधे लोग तो वही करेंगे जो नहीं करना है। अच्छा, घर पे यदि 31st पे रहेंगे तो जिम्मेदारी आपकी ही बढ़ेगी घर पे। आप क्या प्लानिंग करेंगे आपने? बस कुछ नहीं, अपने घर पे एंजॉय करेंगे, अच्छा खाना बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। साहब, आपका क्या हाल है? सर, मेरे को रहने दीजिए, बताइए ना। बस बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो यूथ है, यूथ की भी आप थॉट देखिए कि कोशिश यही की जाए, हालांकि जो तमाम तैयारियां चल रही है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो चाह रहा है कि घर पे रहें, और घर पे तमाम जो है तैयारियाँ की जाएँ। इस समय हम देख पा रहे हैं कि नए साल को लेकर ख़रीदारी के लोग कर रहे हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया, मस्त। मस्त हैं? तो खरीदारी है नए साल की है या फिर रूटीन खरीदारी है? अरे, रूटीन खरीदारी है, नए साल का तो क्या, नए साल 50 लिया ना। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कि ट्रेंड बहुत कुछ नहीं बदला है, और नए साल पे लोग गिफ्ट खरीद रहे हैं, जो पार्टीज होने हैं वहाँ पर बुकिंग करने जा रहे हैं, लेकिन देखिए हमको एक फैमिली मिली है जो नए साल पे पंचांग खरीद रहे हैं, कैलेंडर खरीद रहे हैं। साहब, ये क्या शुभ मानते हैं, क्या मानते हैं आप? ये हम लोगों में शुभ मानते हैं जी।
नए साल के दिन ये पूजा घर में रख के फिर टांगते हैं हम लोग इसको हर साल ऐसा। हर साल क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या, संध्या तिवारी। ओके, भोपाल में ही रहते हैं? हाँ जी। तो थोड़ा बताइए ना, ये कैलेंडर ही क्यों खरीदा आपने? साल भर के लिए, ये साल भर के लिए होता है तो इसलिए हम लोग खरीदते हैं और शुभ रहता है, शुभ मानते हैं। हाँ जी। कोई कुछ खास करने वाले हैं आप नए साल पे? वो कुछ नहीं, बच्चे तो बाहर है, अब हम ही दोनों हैं तो क्या करेंगे। और ये कोरोना ओमिक्रॉन फैल ही रहा है तो कहीं सवाल ही नहीं। सब बड़ा हमको अच्छा लगा ये तस्वीर देखकर कि लोग होटल्स में बुकिंग करने जा रहे हैं या फिर कोई घर पे पार्टी करने की तैयारी कर रहा है, आप कैलेंडर खरीद रहे हैं। हम लोग तो घर पे ही रहते हैं भाई, ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे लोग। तो देखिए, बाज़ार में आपको हर तरह का जो है ख़रीदारी का दौर मिलेगा। लोग कैलेंडर भी खरीद रहे हैं और उस दिन पूजन भी वो करेंगे, जैसे कि बता रही है फैमिली बता रही है। और देखिए कि बाकी लोगों की बात करें तो जाहिर तौर पर है तैयारियां कहीं ना कहीं की जा रही, चाहे वो कैलेंडर खरीदे जा रहे हो या फिर और कुछ खरीदा जा रहा हो। लोग बाज़ार में हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया है जी। नए साल में कुछ खास है क्या साहब? नए साल में क्या खास है, वो तो नया साल हर बार ही आता है। हर साल आता है। हर साल आता है। तो कुछ खास नहीं सर? कोई खास नहीं, वैसे ही वैसा है। ये खरीदारी नए साल को लेकर की है या रूटीन? नहीं, ये तो करना ही थी तो। अच्छा, करना ही थी तो समय भी अच्छा है। हाँ। सही बात।